हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉडी की कुछ ऐसे लक्षणों की या ऐसे सिम्टम्स की जो लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे जाके एक वो कोई बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। क्योंकि बॉडी पहले बीमार होने के पहले आपको बताती है कुछ सिम्टम्स, कुछ इंडिकेशंस देती है, उसके बाद आपको कोई बड़ी बीमारी होती है। तो ऐसे ही 6 लक्षणों के बारे में आज अपन बात करेंगे जो बॉडी आपको पहले से देती है, जिसको आप नज़रअंदाज ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये आगे जाके आपको किडनी फेलियर भी करा सकती है। किडनी प्रॉब्लम इससे होती है। तो जब भी आपकी बॉडी में कोई भी जरा सी भी किडनी प्रॉब्लम होगी तो ये 6 इंडिकेशन आपको बॉडी में कहीं ना कहीं दिखेंगे, तो आप इसको कृपया करके नज़रअंदाज ना करें। सबसे पहला है, आपको यूरिन में दिक्कत आएगी। आपको जैसे नॉर्मली 6 से 10 बार आदमी नॉर्मल यूरिन करने जाता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा आपको बार बार यूरिन आ रही है, स्पेशली रात में उठ उठ के आप जा रहे हैं, या फिर आपको रुक रुक के यूरिन हो रही है, या फिर आपको पेशाब करने में जलन हो रही है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है। तो आप उसको नजरअंदाज ना करें, अपने डॉक्टर को दिखाएं और उनकी सलाह से आप दवाई लें ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो सकें। दूसरा लक्षण है आपका पैरों में सूजन और आंखों के नीचे पफीनेस। जब भी आप सो के उठते हैं तो आपने देखा होगा कई लोगों को अक्सर आंखों के नीचे पफीनेस आती है या फिर उनके पैरों में सूजन होती है, तो ये भी एक आपकी खराब किडनी होने के लक्षण है। ये जो सूजन का कारण होता है ये सोडियम लेवल का बढ़ जाने से होता है। जब किडनी ठीक से ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पाती है और बॉडी में सोडियम लेवल बढ़ता है, तब आपके पैरों में सूजन आती है, क्योंकि सोडियम वाटर रिटेंशन को होल्ड करता है, वाटर बढ़ाता है आपकी बॉडी के अंदर। तो ग्रेविटी के कारण वो सारी सूजन जो होती है, जो वाटर रिटेंशन होता है, वो पैरों में आ जाता है, जिससे कि आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तीसरा जो सिम्टम्स है वो है बैक पेन। अक्सर लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि थकन के कारण हो गया या कैल्शियम की कमी के कारण हो गया, लेकिन ये कई बार आपके किडनी खराब होने के कारण भी होता है। और लोगों को जब किडनी में स्टोन भी होते हैं तब भी इसी एरिया में दर्द होता है, तो लोग उसकी जगह पेन किलर ले लेते हैं उस दर्द को कम करने के लिए, लेकिन ये सबसे हानिकारक है, क्योंकि पेन किलर जो दवाइयां आती हैं वो आपके किडनी खराब करने के 38% चांसेस बढ़ा देती हैं, जिससे आपकी रीनल फेलियर भी हो सकता है। और जब भी आपको ऐसा बैक पेन होगा तो साथ में आपको बुखार आएगा, आपको वॉमिटिंग सी लगेगी और आपको यूरिन में प्रॉब्लम भी होगी। जब ये सारे सिम्टम्स एक साथ हों आपको, तो आप समझ लीजिए कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, आप अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं। तीसरा सिम्टम्स है टायर्डनेस या थकावट। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि वो जल्दी थक जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है आपके आरबीसी का कम होना। क्योंकि आपको पता है जैसे कि आरबीसी जो है आपके ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करती है, तो जब आपकी आरबीसी थोड़ा कम होने लगती है तब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है, जिस कारण से आपको थकन ज्यादा आ जाती है। और ये आरबीसी का जो ग्रोथ होती है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ईपीओ हार्मोन, और ये ईपीओ हार्मोन आपका किडनी बनाता है। तो किडनी इस पूरी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर जब किडनी में कोई दिक्कत आएगी तो वो ईपीओ हार्मोन नहीं बनाएगा, और जब ईपीओ हार्मोन नहीं बनेगा तो आपके आरबीसी की ग्रोथ भी थोड़ी कम हो जाएगी, जिस कारण से आपको जल्दी जल्दी थकान आने लगेगी, आप थका थका सा महसूस करने लगेंगे। और चौथा कारण है खुजली, या आपने देखा होगा कि स्किन में रैशेस से आने लगते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ये छोटे मोटे सिम्टम्स है और ये दूसरी दवा लेने से ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपका KFT टेस्ट कराता है, मतलब कि किडनी फंक्शन टेस्ट, तब जाके उसको पता चलता है कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी किसी को स्किन प्रॉब्लम होती है तो उसको कोई साफी सिरप दे देते हैं या कुछ भी ऐसा ब्लड प्यूरिफायर सिरप देते हैं, तो ब्लड प्यूरिफायर करने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसको थोड़ा किडनी के लिए दी, ताकि किडनी पे आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा और किडनी जो आपका सही वर्क करेगी तो आपका ब्लड भी अच्छे से आपका प्यूरिफाई होगा, जिस कारण से आपको ये स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पांचवा आपका सिम्टम्स है उसमें हाई ब्लड प्रेशर। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर का। अक्सर आपने देखा होगा कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं किडनी फेलियर के, मतलब रीनल फेलियर के, या फिर यूं कहे कि जिनको रीनल फेलियर होने के चांसेस होते हैं तो उनको हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। तो ये दोनों के वाइस वर्सा है, दोनों में से कोई भी एक चीज इंपैक्ट होगी तो आपके दोनों चीजों का असर पड़ेगा। इसलिए आपको अपना ब्लड कंट्रोल करके रखना चाहिए, उसके लिए आपको डॉक्टर से रेगुलर मिलना चाहिए और डॉक्टर ने जो भी आपको मेडिसिन। और छठवां कारण है डायबिटीज। डायबिटीज वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट करता है और आपके बहुत सारी बॉडी की चीज़ों को ख़राब कर देता है, उसमें से एक आपकी किडनी पे भी इम्पैक्ट करता है। डायबिटीज़ में एक्चुअली ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपका जो ब्लड होता है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। वो थिकनेस जब बढ़ जाती है तो वो किडनी के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, बारीक बारीक ब्लड वेसल्स होते हैं, उनमें नहीं जा पाता है और किडनी को डैमेज करता है। अब अपन बात करेंगे कि आप अपनी किडनी को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप वाटर इनटेक बढ़ा दें, प्योर और अच्छा स्वच्छ पानी पिएं और पानी की तादाद ज्यादा कर दें, दिन में अच्छा सफिशिएंट पानी पिएं जिससे आपकी किडनी प्रॉपर वर्क करती रहे। दूसरा है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, कोई भी पेन किलर बिना डॉक्टर की सलाह के ना खाएं, या कोई भी ऐसी दवा ना खाएं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें उसके बाद ही कोई दवा खाएं। फिर इसके बाद आप सॉल्टी खाना या प्रोसेस्ड फूड जो होता है
वो आप छोड़ दें, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपके कहीं ना कहीं किडनी की डैमेज के लिए। और लास्ट है आप एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, मेडिटेशन करें या कुछ भी करें, आप एक्सरसाइज रेगुलर करें ताकि आपकी किडनी और आपका शरीर दोनों स्वस्थ रहे।